आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव की परीक्षा अव्वल अंकों से पास कर ली है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश की 3 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई है। हालांकि इस बार बीजेपी की ओर से जमानत न बचा पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कम है, जबकि 2017 में बीजेपी के 5 नेताओं की जमानत जब्त हुई थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं आखिर जमानत जब्त होना किसे कहते हैं और वो कौन सी सीट है जहां बुलडोजर अपना कमाल नहीं दिखा सका, हमारी इस खास रिपोर्ट में। कई सीटों पर नहीं दिखा योगी मोदी ब्रांड का असर। योगी मोदी लहर भी नहीं बचा सकी नेताओं की साख। 3 उम्मीदवारों की जमानत हुई जब्त। आखिर किस सीट पर नहीं चला बुलडोजर का जादू। हर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को एक तय रकम चुनाव आयोग में जमा करनी होती है, इसे ही जमानत राशि कहा जाता है। अगर कोई उम्मीदवार तय वोट हासिल नहीं कर पाता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, लेकिन ये जमानत राशि हर चुनाव के लिए अलग अलग होती है और सभी चुनावों, फिर चाहे वो पंचायत चुनाव से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव तक, हर चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवार को जमानत राशि देनी होती है। कितनी होती है जमानत राशि? लोकसभा चुनाव सामान्य वर्ग 25,000, एससी और एसटी वर्ग 12,500 रुपए, विधानसभा चुनाव सामान्य वर्ग 10,000 रुपए, एससी और एसटी वर्ग 5,000, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव सामान्य एससी और एसटी वर्ग 15,000 रुपए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी गठबंधन ने 273 सीटों के साथ शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी 255 सीट जीतने में कामयाब रही, तो वहीं सहयोगी अपना दल S12 और निषाद पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी की इस लहर में भी सूबे की 3 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी नेता अपनी जमानत नहीं बचा सके। प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट पर जनसत्ता पार्टी के उम्मीदवार रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया विधायक बने हैं। कुंडा सीट पर राजा भैया के खिलाफ सपा से गुलशन यादव, बीजेपी से सिंधुजा मिश्रा सेनानी मैदान में उतरी थी, लेकिन मुकाबला सपा और राजा भैया के बीच रचा और बीजेपी रेस से बाहर थी। राजा भैया को 99,612 वोट यानी 50.58% वोट मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी गुलशन यादव को 69,297 वोट मिले यानी 35.19% वोट। बीजेपी की सिंधुजा मिश्रा सेनानी को महज 16,455 यानी 8.36% वोट ही मिले। राजा ने 30,315 वोटों से सपा को मात दी। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से बसपा उम्मीदवार उमा शंकर सिंह विधायक बने हैं और बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। रसड़ा सीट पर मुकाबला बसपा के उमा शंकर सिंह और सुभाषपा उम्मीदवार महेंद्र के बीच रहा, जबकि बीजेपी के बब्बन रेस से बाहर थे। बसपा के उम्मीदवार उमा शंकर सिंह 87,887 वोटों के साथ जीते, जबकि सुभाषपा के महेंद्र 81,304 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। वहीं बीजेपी के बब्बन को महज 24,235 वोटों से संतुष्टि करनी पड़ी। ये कुल वोट प्रतिशत 12.08% रहा।
इस कारण महेंद्र 81,304 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे। वहीं बीजेपी के बब्बन को महज 24,235 वोट मिले। ये कुल वोट प्रतिशत 12.08% रहा। इस कारण उन्हें इस सीट पर अपनी जमानत तक गंवानी पड़ी। जौनपुर जिले की मलहनी विधानसभा सीट पर बीजेपी को करारी हार का सामना ही नहीं करना पड़ा बल्कि जमानत तक नहीं बचा सकी। मलहनी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण प्रताप सिंह केपी को चौथा स्थान हासिल हुआ। यहां पर सपा प्रत्याशी लकी यादव और जेडीयू उम्मीदवार धनंजय सिंह के बीच मुकाबला रहा। लकी यादव 97,357 वोट हासिल कर विधायक बने तो वहीं धनंजय सिंह 79,830 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। जबकि तीसरे स्थान पर बसपा के शैलेंद्र यादव ने 24,007 वोट हासिल किए। वहीं बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण प्रताप यानी केपी को महज 18,319 वोट ही मिल सके। इस तरह से वो अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। दरअसल किसी भी विधानसभा सीट पर जमानत बचाने के लिए 16.66% यानी 1/6 वोट हासिल करना जरूरी होता है। ऐसे में जमानत बचाने के मामले में बीजेपी का रिकॉर्ड 2017 के चुनाव की तुलना में 2022 में बेहतर रहा। साल 2017 में बीजेपी के 5 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, जिसमें बदायूं जिले की सहसवान, अमेठी जिले की गौरीगंज सीट, रायबरेली सीट, हाथरस की सादाबाद सीट और प्रयागराज की सोरांव सीट थी। प्राइम टीवी के लिए मुस्कान अजमानी की रिपोर्ट। हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की और ताजोतरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।